आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में हर चीज को खरीदने का दिन एवं समय निर्धारित किया गया है। हम जाने अनजाने में गलती से ऐसी चीजें खरीद लेते हैं और फिर अनिष्ट होने पर हम सोचते हैं कि क्या गलती कर दी हमने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आज के भागदौड़ भरे जमाने में हम अपने धर्म शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन चांदी या सोना खरीदना चाहिए या नहीं, एवं किस दिन खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक यह जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। सोना एवं चांदी खरीदने के लिए लोग अक्सर शुभ मुहूर्त देखते हैं। ऐसा करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि सोना या चांदी के गहने शरीर पर धारण किए जाते हैं, ऐसे ही किसी भी दिन नहीं खरीद लिए जाते। शनिवार के दिन धातु को खरीदने से बचना चाहिए, ऐसा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सोना को अक्षय तृतीय के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीय के दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी के घर में वास होने से घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति होती है। शनिवार के दिन लोग कोई भी वस्तु नहीं खरीदना चाहते हैं। शनिवार को लोहा या लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर शनिवार के दिन कोई भी वैसी वस्तु जो लोहे की बनी हो खरीदने से घर में अनिष्ट होता है। हालांकि ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर सोना या चांदी को त्रिपुरुषकर योग में खरीदा जाए तो यह काफी शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग भद्रा तिथि, रविवार, मंगलवार और शनिवार को त्रिपुष्कर नक्षत्र में पड़ने से बनता है। त्रिपुष्कर योग में यदि शनिवार का दिन भी पड़े तो उस दिन सोना या चांदी खरीदा जा सकता है। शनिवार का दिन भगवान शनि का दिन माना जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता भी माना जाता है। व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार शनिदेव न्याय देते हैं। कलयुग में शनि का प्रभाव बहुत अधिक है, इसलिए व्यक्ति को पाप कर्म करने से बचना चाहिए। ईश्वर की शरण में हमेशा रहना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।